टेली प्राइम के डेटा के साथ आज हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों को एक टेली प्राइम की कंपनी का डेटा कैसे एक्सपोर्ट करेंगे एक्सएमएल में, टेली एक्सटेंशन एक्सएमएल में, और दूसरे कंपनी के अंदर कैसे डेटा को इंपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, डेटा को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक कंपनी ओपन की है और इस कंपनी का बैलेंस शीट मैं आपको दिखा देती हूँ कि सॉरी, ये आपका बैलेंस शीट है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि इस कंपनी के जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं वो लेजर अकाउंट्स मैं किसी और कंपनी के अंदर इंपोर्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सारे लेजर अकाउंट्स को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही मैं दूसरी कंपनी में इंपोर्ट करूँगी। तो वेलकम गाइस टू माय चैनल सर्व शिक्षा एकेडमी, और मैं आपकी होस्ट नीतू। इस वीडियो में आप लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताने वाली हूँ। तो पहली जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी उसमें हम एक टेली प्राइम की कंपनी का डेटा दूसरे टेली प्राइम कंपनी के अंदर कैसे लेके जाएंगे वो आपको सबसे पहले बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने कंपनी ओपन कर ली है और आप क्या करने वाले हैं, यहाँ से डेटा एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर आपको ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके लिए आप ऑल्ट ई प्रेस कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट कमांड है। एक्सपोर्ट में ऑप्शंस आ रहे हैं अदर्स, मास्टर्स, ट्रांजेक्शन या कॉन्फिग्रेशन करके इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं हम। तो फिलहाल आप यहाँ पर क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इस कश्यप ट्रेडर्स कंपनी का, तो मैंने यहाँ से क्या किया, मास्टर्स पे क्लिक किया। मुझे यहाँ से मास्टर्स यानी कि लेजर्स को एक्सपोर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने दी है। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके आपको बताऊँगी कैसे आपको यहाँ पर काम करना है। तो मैं शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक कर देती हूँ। जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे ओपन हो चुके हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। टाइप ऑफ मास्टर्स में वो कह रहा है लेजर, लेजर पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ मास्टर्स के ऑप्शन आ गए हैं और आप क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इस कंपनी से। तो मुझे फिलहाल मास्टर्स ही एक्सपोर्ट करने हैं। इसके अलावा आप गोडाउन, ग्रुप्स, करेंसी, कॉस्ट सेंटर, कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप, ठीक है, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे लेके जाने हैं लेजर्स। तो मैंने क्या किया, लेजर्स को पिक किया। अब नीचे आएंगे आप, लिखा है इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर, इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिए। जितने भी मास्टर्स होंगे यानी कि इसके डिपेंडेंट मास्टर्स या लेजर्स होंगे वो भी इसके साथ एक्सपोर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एक्सपोर्ट क्लोजिंग एज वेल एज एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग बैलेंस, इस ऑप्शन को भी आप यस कर दीजिए। नीचे है लिखा है क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन डेट, तो आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। फिर आप नीचे एक्सपोर्ट सेटिंग्स हैं जिसमें लैंग्वेज बोल रहा है, एंटर कीजिए। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ऑल लैंग्वेज एक कहता है स्काई कोड, तो हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेज फॉर्मेट में अपने डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे। ये है डेटा का फॉर्मेट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब डेटा फॉर्मेट यहाँ से चूज़ करेंगे, एक्सएमएल डेटा हम यहाँ पे लेने वाले हैं, टैली का डेटा एक्सएमएल फॉर्मेट में ही हम लेके जाएंगे। ये हम क्यों लेके जाएंगे, टैली का जो एक्सटेंशन कमांड है वो है एक्सएमएल, ठीक है। तो मैं एक टैली प्राइम का डेटा दूसरे टैली प्राइम कंपनी में डालने वाली हूँ तो एक्सएमएल फॉर्मेट ही मुझे चूज़ करना पड़ेगा। फिर हम नीचे आएंगे एक्सपोर्ट टू, एक्सपोर्ट करके वो लोकल ड्राइव में जाएगा, एफटीपी सर्वर पे जाएगा या वेब पोर्टल पे जाएगा। फिलहाल हम लोकल ड्राइव पे डेटा को लेके जाएंगे और अपना ड्राइव लोकेशन, ये डिफ़ॉल्ट पाथ है जहाँ मेरा टैली प्राइम का सारा डेटा जाके स्टोर होता है, ठीक है। तो मैं यही लोकेशन को पिक करूँगी, अदरवाइज आप अपना लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्राइव से स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट लोकेशन लेके चल रही हूँ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइल का नाम देना जिससे आपको पता रहेगा कि आपने जो डेटा एक्सपोर्ट किया है उस फाइल का नाम क्या है। तो मैंने डाल दिया लेजर्स और डॉट करके एक्सएमएल आप डालना मत भूलना, क्योंकि एक्सटेंशन डालना एक्सपोर्ट के टाइम पे ज़रूरी है। तो मेरी फाइल का नाम है लेजर्स डॉट एक्सएमएल, तो एंटर किया, नीचे लोकेशन आ गई, फाइल का नाम आ गया, ओपन फोल्डर एक्सपोर्ट आफ्टर एक्सपोर्ट यस। जैसे ही मेरा डेटा एक्सपोर्ट होगा तो ये फोल्डर को ओपन करके हमारी फाइल को दिखा देगा, एंड शो लैंग्वेज इज इंग्लिश, ठीक है। तो ये डन हो चुका है, इससे आप बाहर आ जाइए एंड अब सेंड बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर ओपन हो चुका है, देख सकते हैं ये वही पाथ है जो वहाँ स्पेसिफाई किया गया था कि टेली का डेटा एक्सपोर्ट होने के बाद कहाँ जाएगा।
अब मैंने यहाँ पे इसका नाम दिया था लेजर्स, तो मैं एल प्रेस करूंगी और एल प्रेस करके मैंने यहाँ पर लेजर्स का ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। इसका मतलब हमारा डेटा एक्सएमएल में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पर भी आपको हल्का सा प्रीव्यू इस फाइल का नज़र आ रहा है। फिलहाल जब हम डाटा एक्सपोर्ट करते हैं तो जब ये फाइल एक्सपोर्ट हो जाती है तो उसको ओपन करके देखने की कोई नीड हमें नहीं है, क्योंकि यहाँ डेटा जो है हमारी समझ से बाहर होगा, कोई डिफरेंट लैंग्वेज में वो डेटा आता है कोडिंग में। तो मैंने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद मैं वापस आ गई, वापस अपने स्क्रीन पर कश्यप ट्रेडर्स कंपनी का डेटा मुझे यहाँ पर पूरी कंपनी नज़र आ रही है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, एक कंपनी क्रिएट करूँगी। मैं क्रिएट कंपनी में गई, मैं यहाँ से मैंने एक कंपनी क्रिएट कर दी, ठीक है। तो मैंने यहाँ डाल दिया गोयल ट्रेडर, ठीक है। ये कंपनी हम बना लेते हैं और ये कंपनी ब्लैंक होगी, मैं इसको सेव कर देती हूँ ऐसे ही, ठीक है। ये कंपनी हमारी जनरेट हो चुकी है और मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इस कंपनी के अंदर बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट या कोई भी डेटा अवेलेबल यहाँ नहीं है। इसके अलावा मैं आपको मास्टर्स में लेके जाती हूँ, लेजर्स में लेके जाती हूँ, दो ही लेजर्स आपको नजर आएंगे, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ डेटा अभी न्यू फ्रेश कंपनी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब जो कंपनी का डेटा मैंने, कश्यप ट्रेडर्स कंपनी का डेटा मैंने एक्सपोर्ट किया था, अब मैं गोयल ट्रेडर्स के अंदर उस डेटा को इम्पोर्ट करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं ऑल्ट ओ यानी कि इम्पोर्ट ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए और मास्टर्स यहाँ से पिक करेंगे। मास्टर्स पे मैंने क्लिक किया और मैंने अपनी जब कंपनी का डेटा लेजर्स जब मैंने एक्सपोर्ट किए थे तो मैंने इनका नाम दिया था लेजर्स। अब मैं इम्पोर्ट करने जा रही हूँ तो इम्पोर्ट में मुझे लेजर्स ही लेना पड़ेगा, लेजर्स डॉट एक्सएमएल एंटर किया और यहाँ से लेना है आपको बिहेवियर ऑफ एक्सपोर्ट इफ मास्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट कंबाइन ओपनिंग बैलेंस। ये डेटा हमारा डन हो चुका है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसका बैलेंस शीट ओपन करके। आप देख सकते हैं डेटा यहाँ पे आया था, अभी तो बैलेंस शीट में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप यहाँ चेक कर लीजिए। और एक स्टेप बैक आइए बाहर, लेजर्स मास्टर्स के ऑल्टर में जाना और लेजर्स पे क्लिक करने। देख सकते हैं आप, जब हमने पहली बार ये कंपनी को बनाकर ओपन किया था गोयल ट्रेडर्स को, तो यहाँ सिर्फ दो ही लेजर्स अकाउंट आ रहे थे, कैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आप देख सकते हैं वो सारे लेजर्स अवेलेबल हैं जो हमने कश्यप ट्रेडर्स कंपनी के अंदर बनाए हुए थे। किसी भी लेजर को आप ओपन करके देखेंगे तो आपको ओपनिंग बैलेंस के साथ इसका डेटा नजर आएगा। इसके साथ साथ मैं एक बार और ओपन करके आपको दिखा देती हूँ कश्यप ट्रेडर्स कंपनी। अब देखिए कश्यप ट्रेडर कंपनी ओपन हो चुकी है, ऑल्टर में जाएंगे और यहाँ से लेजर्स पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं सारे लेजर्स वही हैं जो हमने कश्यप ट्रेडर्स से उठाए और आपको गोयल ट्रेडर्स के अंदर भी ये सारा डेटा जो है नज़र आया। तो इसी तरीके से हम डेटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं टैली टू टैली। एक टैली की कंपनी का डेटा को दूसरी टैली कंपनी के डेटा के अंदर एक्सपोर्ट आप बहुत ईजीली कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आप जितनी भी वीडियोस मैं न्यू आप लोगों के लिए बनाऊंगी तो सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन आपके पास रहेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी पे, और जितने भी नोटिफिकेशन जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट्स में हमें वो चीज़ें बता सकते हैं। Thanks for watching this video.